एक बार छोड़ दो गलती हो, गलत कह रहे क्या है? अगर आदमी को पकड़ के बोले साहब हम तो गुस्सा में झगड़ा हुआ तो आ गए तो रिपोर्ट लिखा दी साहब, लेकिन आप छोड़ दो, छोड़ना पड़ा था। नहीं नहीं आप ठीक है यार, दारू ही तो पी है इसने। नहीं मगर आपको कंट्रोल साहब जो करो। नहीं नहीं हम आपसे माता राम हमारा कमिटमेंट, आप अगर दारू आपके गांव में बंद ना हो, 3 दिन का समय, 3 दिन के बाद आप मेरे पास थाने आ जाना, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं थाना छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आपके गांव में दारू बंद नहीं करा पाया, मुझे वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। मैं साला वैसा थानेदार ही नहीं हूँ जो साला दारू खोरी के पैसे लेता हो और कमाता खाता हो। जो थानेदार खुद चाहेगा स्वाद नहीं मालूम वो क्या दारू की वो कहेगा, कि दारू पीने वाला किसकी तारीफ करूंगा मैं, कि दारू पीने वाला बहुत अच्छा आदमी है, दारू पीना चाहिए। मैं तो जगह जगह बंद करता हूँ, इनमें से बताइए ईमानदारी से कितने लोग, मैं तो कह रहा हूँ दारू क्या गुटखा बंद कराइए आप, कैंसर हो रहा है साला, जो मुंह में खा रहते नन्हे लौंडे, कैंसर हो रहा है, अगर कैंसर हो जाए साला पूरा घर घर के भाड़े बर्तन बिक जाते हैं। अरे एक समस्या मत, हम पांच आदमी की ओर उंगली उठाते हैं, माता ना बुरा मत मानना, हमने एक उंगली उठाई 3 उंगली हमारी तरफ आ जाती है, हमारा खुद का कसूर है। हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को, क्या शिक्षा दे रहे हैं बताओ? ये तो आप सोच रहा होगा कि टीआई साहब आए भाषण दे दिया, भाषण नहीं है, मेरी पीड़ा है, ये मेरे मन का दुख है, दर्द है, किससे कहें। आज आप तो इतने लोग मिलेगा ठीक है, अगर आप मुझ में अकेली मिलती माता राम में अकेले इनसे बात करता है, कहते टीआई साहब आए कौन से पकड़ लिया जबरदस्ती, आध घंटा भाषण दे के चले गए, गलत कह रहे क्या? अगर आप चाह रहे हो तो एक गाँव तो मिसाल बन जाएगा कुछ, हम पूरे थाना क्षेत्र से शराब विक्रय बंद करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए, केवल आदमी तो सोच ले। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा था पूरी नहीं हो पाई, कि अगर एक आदमी दारू बेच रहा है वो आज 100 बोतल खरीद के लाया, वो हमने अपने अपने घर में कह दी, अगर लड़के हैं पीने वाले, लड़कों से कह दी कि तुम गए तो हाथ घोड़े तोड़ देंगे, अभी बुला रहे पुलिस को, टीआई साहब को अभी बुला रहे, हम तो साला अभी पकड़वाएंगे तू पीने के मजा रहा है, ठीक है ना? आदमी है तो आदमी को, माँ बाप है तो उनको, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, घर का कोई भी सदस्य अगर पीने जा रहा है, अब अगर हम पीने ही नहीं जाएंगे तो बेचने वाला कब तक बेचेगा, मैं उससे आप बताओ कब तक बेचेगा, मैं आपसे पूछता हूँ कब तक बेचेगा? एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा, 4 दिन रखेगा, साला आखिरी में सोचेगा मेरी एक नहीं बिक रही क्या करूं, खत्म कहानी। तो ये असल में सामाजिक समस्या है। जब दिवाली के दिन रात में हमारे घर में बैठ के लोग पत्ते खेलते हैं तो हम कहते हैं जो तो नैंग कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आएंगे, साला यही तो जुआ को बढ़ावा देता है, ये सामाजिक अपराध है। शराब जो है शराब भाई शासन बेच रहा, दुकान बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन शासन ये नहीं कह रहा, अरे आप जाना राशन की दुकान में जाओगे तो बढ़िया गेट खुला है, आप जाओ पूरे के पूरे और राशन खरीदो पूरे के पूरे आ जाओ, दारू की दुकान में जाना तो पूरी जाली लगी रहती है लोहे की, इतना सा हाथ घुसता बस उस समय से बोतल निकलती है। अरे ये आलम है कि दारू वाले को भी डर है कि जो खरीदने वाले हैं लूट ना लें दुकान, ये तो आलम है। तो ये दारू वालों का क्या है समस्या क्या है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम अपने परिवार के सदस्यों को रोक दें तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी, इस पे आप विचार करना। मैं समझ रहा हूँ कि जड़ क्या है कि अगर ये 5 अगर दिख रहे हैं तो जो पीने वाला साला लार आ ही जाती है उसके मुंह में, वो पहुंचा ही जाता है वहां, जब ये 5 बंद कर दूंगा तो यहां से लेके जब उसको करेली तक जाना पड़ेगा तो कष्ट होगा, वो तो मैंने आपसे कह दी वो तो मैं बंद करा ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी डांटो, आप लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ेगा, आप लोग भी अपने परिवार के सदस्यों को रोकिए। मैंने तो एक अभियान चलाया था अभी गांव के, अरे यार तुम लोग छाए पकड़ गए, अरे इधर आओ मेरे भाइयों इधर आओ, इधर आओ, ऐसा नहीं माता बहनों को इकट्ठा कर दिया, आप लोग इधर उधर निकल गए। अभी ये जुलाई का समय है, अगस्त सुनो मेरी बात सुनो, अभी अगस्त के आसपास रक्षाबंधन पड़ता है, मुझे त्योहारों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन अभी आने वाले समय में है, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त को देखिए, मैंने माता राम आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मैंने पिछली बार मैं टीकमगढ़ में था टीआई, उस समय रक्षाबंधन के टाइम पर हम स्कूलों में निकले थे और हमने अपनी छोटी छोटी बच्चियों से कहा, हमने कहा बेटा घर जाना, घर जाके अपने माँ बाप से कहना कि हमें तुम 1000 रुपया की मिठाई मत लाओ,
जो मिठाई खाते ना भाइयों को खिलाते हैं घर में खाते हैं, मिठाई नहीं चाहिए, 1000 रुपया बचा लो, उस 1000 रुपए का एक हेलमेट ले आओ, पानी हेलमेट, और हेलमेट इसलिए लेके आओ कि पापा या भैया जब दो पहिया की गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो हेलमेट लगा के निकलें, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम सबसे ज्यादा परेशान हैं एक्सीडेंटों से, हम दारू पे आ रहे तो एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा परिवार उसका बर्बाद होगा, जिस परिवार का कमाने वाला मुखिया चला जाता है उस परिवार पे क्या गुजरती है, जिस परिवार का जवान बेटा चला जाता है उस परिवार पे क्या गुजरती है। तो मिठाई नहीं लाना है, अब आप लोग कहो कि हम घर में मिठाई नहीं लाके देंगे, जो हमारे घर में बेटा है, हमारे पति है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको एक हेलमेट लाके देंगे, हो गई एक बात। दूसरी बात, जब भाई अपनी बहन को राखी बांधता है तो बहन एक वचन लेती है उससे, वो वचन इस बात का लेती है कि भैया तुम मेरी रक्षा करोगे, तो उस बहन को ये वचन दिलवाओ कि बेटा तू, तेरे को भैया मेरी रक्षा तो कर रही है लेकिन तेरे को भगवान ने मेरी भाभी बनाई होगी, वो समय आएगा तुझे मिल जाएगी, लेकिन तुझे और दूसरी बच्चियां हैं जो और बहनें हैं उनको भी बहन मानना है, उनकी रक्षा करना है। दूसरा ये प्रण दिलाओ, और तीसरा प्रण, सबसे बड़ा प्रण ये दिलाओ कि भैया तुम्हें कोई नशा नहीं करना है, तुम आज प्रण लो, और पापा तुम्हें भी कोई नशा नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं केवल नशा दारू का क्यों, गांजे का, भांग का, दुनिया भर का, अगर हम करेंगे तो ये प्रतिज्ञा करवाओ ना रक्षाबंधन पे, आप करवाओ, आप अपने घर में जितनी भी आपकी बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो भी हैं, आप सब महिलाएं मिलके इस गांव में, सरपंच जी कहां चले गए, ये अभियान शुरू करो ना जी। केवल दारू छोड़ो यार, दारू तो गई तेल, मैंने कह दिया 3 दिन का कमिटमेंट दे दिया आपको, 3 दिन का, मैं तो आज का भी कह सकता था लेकिन आज मैं बुलवाऊंगा, देखूंगा इनको, ठीक है ना, तो 3 दिन का समय मुझे दे दो, 3 दिन में तो इनके भाड़े बर्तन बिक जाएंगे। मैं तो केवल ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी बात कही, क्या मैंने गलत कही, नहीं कही, तो हम ये क्यों नहीं करें, हम रक्षाबंधन पे ये चीज करें, अब हम मिठाई उठाई आप इस बार नहीं करेंगे, 1000-2000 खर्च करना है तो भैया थोड़ी बहुत करा लो, हेलमेट ले आओ, आप देखना अभी रोड पे निकल जाओ, एक आदमी गाड़ी चला रहा होगा, उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी होगी, 2-3 बच्चे बैठे होंगे, और 70-80-90 से कम नहीं चलाएगा वो, और 4 लाइन है, और कोई बड़ा गाड़ी वाला कट भी मार गया तो गए काम से, मालूम पड़ा अगर कमाने वाला चला गया तो वो परिवार हमेशा आगे बढ़ेगा, है समस्या के नहीं है, है ना, तो पहली समस्या ये, दूसरी लड़कों ये कह रहा हूं, आपकी बच्ची को अगर किसी लड़के ने छेड़ा वो भी तो किसी का बच्चा है, अगर हम अपने बच्चों को रोकेंगे तो बस बात खत्म, समाज सुधर गया, अब मेरी मोड़ी को कोई उंगली नहीं उठाएगा लेकिन मेरा मोड़ा दूसरी को छेड़ आएगा, तो बात कैसे बनेगी, कैसे बात बनेगी, तो हमें मोड़ी भी रोकनी है और मोड़ा को भी रोकना है। अभी अभी मैं जब आपका फोन आया जी, आप सुन के आश्चर्य करोगे, मैं जगह का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो परिवार के लोग आए, तो वो महिला करेली के आए, तो एक लड़का है उसकी 3 बच्चियां हैं, मतलब शादीशुदा है, 3 बच्ची का बाप है, और एक लड़की जिसकी 7 जुलाई को शादी हुई, वो लड़का लड़की दोनों बन गए, आप बताइए क्या संस्कार है, मतलब वो भग गई, वो लड़की 7 तारीख को शादी हुई, अभी बिना उससे लौटी ससुराल से, और उस लड़के के साथ भगी जो 3 बच्चों का बाप, अभी उनको बैठा लेके समझा रहा था जब आपसे मैं बात कर रहा जी, अभी वो थाने में ही बैठे, तो शिक्षा हमको अपने बच्चों को भी देना पड़ेगा, मतलब केवल एक समस्या नहीं, और एक जब आप लोग एक, मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे टीआई साहब आप इतना बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ नरसिंहपुर में, पहली बार नरसिंहपुर में मैं आया, 4 महीने हुए मुझे, चुनाव के 2-3 दिन पहले आया था, इस जिले में मुझे बाकी सब कुछ अच्छा है, केवल मुझे 2 बड़ी समस्याएं दिखी, इसमें सबसे बड़ी समस्या है नशा, वो नशा केवल दारू का नहीं है, यहाँ लोग इसमें, मैं तो इसमें देखी नहीं है, इसमें पिए, गांजा पिए, भांग पिए, और दारू तो खैर पीते ही पीते, जो तो सरकारी है, जो अवेलेबल है, सरकारी चीज़ है, तो ये यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी समस्या दिखी, मतलब आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, तो मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों ने बिगुल तो बजाया, आप लोग इकट्ठे तो हुए, अगर आप सब इकट्ठे हैं और चाहते हैं तो आपका गांव आदर्श गांव होगा, कोदसा आदर्श गांव होगा,
कि यहाँ ना तो किसी लड़की की कोई रिपोर्ट आएगी कि सर हमको फलाने लड़के ने गांव के लड़के ने छेड़ लिया, क्योंकि हम सब अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देंगे, बात खत्म। तो अभी तो रक्षाबंधन में ये अभियान चलाओ। और रही बात आपकी ये कि ये दारू बिक रही है, वो दारू बंद कुछ नहीं, भाई बहन प्रीत ना होए गोसाई। अगर वे लुगाई के कैसे माँ के कहने से बच्चों के कहने से मान जाते तो क्या टीआई साहब को यहाँ आना पड़ता? बात खत्म। अब तो ये तो विचार आप करो ही मत। अब तो ऐसा होगा कि दारू पी के भी अगर उसने गदर मचाई, आप तो फोन लगाओ, सुन तो लो, हमारी पुलिस आएगी और उसको घर में से निकालेगी और भैंसे जूता देना शुरू करेगी और गांव से ही निकाल के ले आएगी, बात खत्म। सर हम आज भी मैं ये कहता हूँ तो गलती आपकी है ना कि दारू वाले में का दो दे रहे। सुनो तो दारू नहीं, दारू वाले तुम 1000 रुपया दे रहे घर वालों को, इसलिए नहीं बैठे हो जा पीछे नहीं बात सही है। हम तो ये कह रहे नहीं, आप तो बिल्कुल उगता गई, लेकिन अगर यही जूते चप्पलें अगर आपने घर वालों में देना शुरू कर दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। आप गलत मत करो, बात गलत, क्योंकि भाई आप थानेदार नहीं हो। आप किसी को मारोगे लड़ाई झगड़ा दूसरा होगा, समझे ना, आप थानेदार नहीं हो, कानून हाथ में मत लो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यही जूते अपने घर वालों में देना शुरू कर दो क्या दिक्कत है? देते हैं सब, देते हैं हम, देते हैं कोई बेचा नहीं दे, ऊपर हाथ कर रहा है, हम देते हैं सब।